हम यहाँ पे अभी शेडी ढाबा के बाहर खड़े और हमारे साथ है मेरे प्यारे मित्र सोनू सिंह जी। तो ये हम इनको ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से जानते हैं। पहली बार हम जब जीरकपुर में आए थे, आपका भाई जब भी मैराथन भागा था, तभी इन्होंने हमको पूरा चंडीगढ़, जीरकपुर, मोहाली सब कुछ घुमाया था। तो ये यहाँ पे ऑटो चलाते हैं और इनकी काफ़ी भी और भी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बताइए आपकी कौन सी क्या क्या आप। मेरे पास ऑटो है और टैक्सी सर्विस है, मैं दोनों आपको लेके कहीं भी जा सकता हूँ। ऑटो है, टैक्सी सर्विसेज भी है। जी जी, किसी भी टाइम पर आओ आप, मुझको फोन करें जी जी, मैं आपको लेकर जाऊंगा। और ये भी अगर रात के टाइम पे भी ये यूजुअली नहीं अवेलेबल होते हैं, बट ये इनके साढ़ू जी है, वो है, उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, ये मेक श्योर करेंगे कि आपको प्रॉपर सर्विस मिले। हम जब भी अभी चंडीगढ़ आए तो हमारी ट्रेन रात को 1:30 बजे आई थी, तो इन्होंने अपने साढ़ू भाई को बोला तो वो 12 बजे से ही हमारा वेट कर रहे थे। 1:30 बजे हमको पिक किया रेलवे स्टेशन से और जीरकपुर होटल सन पार्क में हमको ड्रॉप भी किया, और दिल के बहुत ही अच्छे हैं। तो आप जरूर इनके पास आए और इनके साथ घूमिए, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर, पंचकुला, राइट। और ये है इनकी ऑटो रिक्शा, बहुत ही प्यारी है। मोनिका जरा अंदर से दिखाइए इनकी ऑटो रिक्शा, और काफ़ी स्पेशियस है और अंदर से बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन भी किया गया है और एकदम साफ सुथरी है। पीछे आराम से आपके 3 लोग, बाकी 2 लोग यहाँ पे 5, 6, 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सामान रखने की जगह यहाँ पे भी है, सामान रखने की जगह पीछे भी है और लाइट भी है रात के समय में, और बहुत ही प्यारी रिक्शा है।